गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है संडे और संडे को हम वीकली रिवीजन लगाते हैं। अच्छा सर, वीकली रिवीजन हमने कि 6 दिन में जो पढ़ते हैं ना, उसका हम टेस्ट इस वजह से लगाते हैं कि जो हमारे प्यारे साथी ये सोचते हैं ना कि सर हम यदि वीडियो को शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि भैया हमारे सामने वाला बंदा भी उसी तरीके से तैयारी करने लगेगा। सर ऐसा नहीं होता है, सर होता ये है कि संडे के दिन पता चल जाएगा कि 60 क्वेश्चन 6 दिन में जो पढ़ते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये ईमानदारी आपके हाथ में है, पक्का श्योर? अभी कोई टेस्ट तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है भाई इसी टेस्ट से आपकी जॉब लगनी है? बिल्कुल नहीं है सर। तो अपनी ईमानदारी से यदि आपके 5 भी क्वेश्चन सही होते हैं तो 5 क्वेश्चन बताएं, क्योंकि अपनी ईमानदारी अपने हाथ में है, यही भविष्य को निर्धारित करेगी। आप अपने साथ गलत करेंगे तो भाई दुनिया के साथ भी गलत कर सकते हैं फिर तो। चलें सर शुरू करें अच्छी तरीके से सीरीज को। प्लीज़ ये प्रयास मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को सर शेयर करें साथियों, क्योंकि ये परिवार आपका है, इसको बढ़ाने का दायित्व हमने पहले दिन से ही आपको दे दिया है। बढ़ते हैं सर, हाल ही में किस राज्य ने मिशन बिगेन अगेन शुरू किया है? अरे सर पता है, ये तो सुना सुना सा लग रहा है हमने कि गजब बात कर दी, महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सर आदेश गुप्ता को चुनाया गया है, पता है, सी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में पटाखे से भरे अनानास को खाने से कहां पर एक हथिनी की जान चली गई? अरे सर हथिनी की जान तो हमने सुना था, हमने कहा केरल में गई थी। किस बैंक ने समर ट्रीट्स नामक अभियान शुरू किया है? सर पता चल जाएगा आज आपको कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन तरीका से है। अच्छा सर किसने किया है? HDFC ने किया है। सर इसकी फुल फॉर्म आती है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्योंकि टेस्ट हम लगवाते हैं तो क्वेश्चन आप भी तो बताएंगे। क्वेश्चन नोट कर लेना, क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, HDFC के बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आपको दी है बतानी है सर। HDFC हाल ही में अनिल सूरी का COVID-19 के कारण 77 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह क्या थे? सर वह निर्माता और निर्देशक थे। बड़े सर आगे, हाल ही में NDB के नवीन अध्यक्ष किसे चुनाया गया? सर NDB सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी, हद है भाई, मार्को स्ट्राइ जो है। अच्छा सर वो NDB है जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं। अच्छा सर ब्रिक्स बैंक इसका मुख्यालय संघाई में है। सर एक AIIB है जिसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं सर, हमने की हाँ। सर तो डिटेल में प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, जिनके अंदर जुनून होता है ना, एक बच्ची है बहुत ही प्यारी मेरे प्यारे साथियों, बहुत प्यारे कमेंट देती है, उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से चल रही है, मैं कमेंट का कहता हूँ तो वो कमेंट भी करती है। बड़े सर आगे, ऐसे ही लोग हैं जो सुशील स्टडी का जो सपना है उसे जरूर पूरा करेंगे सर। बड़े बिल्कुल सर, हाल ही में कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सर सीवी जॉर्ज को किया गया है, हमने पढ़ा था कुवैत के बारे में। किस राज्य ने COVID-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह? अरे सर मिशन फतेह तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने हद है भाई, पंजाब ने किया है, गजब बात है सर। बड़े आगे, केरल की पहली महिला DGP किसे नियुक्त किया गया है? सर आर श्रीलेखा को किया गया है, इतने जुनून से पढ़ना है प्यारे मित्रों। भारत में 1979 के बाद पहली बार AFC महिला एशियाई कप का आयोजन कब किया जाएगा? सर 2022 में किया जाएगा। हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? सर रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। हाल ही में कहां पर अंतरिक्ष से पृथ्वी का शतरंज मुकाबला खेला गया? देखना पिक्चर माइंड में चलने लगेगी। सर रूस में खेला गया था, मैंने की गजब बात बताई आपने, अच्छी बात है सर। बढ़े आगे, हाल ही में क्योंकि डिटेल से जानकारी हम यहाँ नहीं दे सकते हैं, मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन की डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाए तो मैं ज़रूर बताऊँगा। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 8 वर्षों में कितने बाघ खो दिए? सर 750 खो दिए हैं।
मैंने कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? सर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बता दूं मेरे प्यारे मित्रों 526 हैं वर्तमान में। अच्छा सर पूरे भारत में कितने हैं? हमने कि 2967 हैं। ठीक है सर बढ़ते हैं। मेघ संधे, सर मेघ का मतलब जिस राज्य में बाढ़ आएगी तूफान आएंगे उसके बारे में बताने की बात कर रहे हैं आप। हमने की बिल्कुल सही पकड़े आप, कर्नाटक है सर। हाल ही में मुज्तवा हुसैन का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सर वो लेखक और व्यंगकार हैं। हाल ही में दूसरा कौन सा देश है जिसने WHO को छोड़ने की चेतावनी दी है? सर WHO को तो बहुत सारे देश छोड़ रहे हैं। हमने कि पहला तो अपना ट्रंप अंकल थे, दूसरा सर ब्राजील ने कहा है। क्यों कहा है? सर ये WHO है ना, सबसे ज़्यादा फंडिंग तो अमेरिका देता है भैया, और ये पक्षपात की बात करता है, चाइना के भैया पक्ष में बोलता है WHO। तो ट्रंप ने छोड़ा, उसके बाद ब्राजील ने छोड़ा। सर ब्राजील सुना सुना सा नहीं लग रहा, गजब बात कर दी सर आपने तो। साउथ अमेरिका इतने अच्छे से पढ़ाई है। मेरे कई साथी कहते हैं मुझसे कि सर ये अब सपने में आता है हमें साउथ अमेरिका, और मैंने पूछा भी है, बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिए हैं साउथ अमेरिका के बारे में, बहुत डिटेल से मैंने वही पूछा, सब ने अच्छे से जवाब दिया है। मेरे प्यारे साथियों मैंने साउथ अमेरिका डिटेल से पढ़ाई है। नॉर्थ अमेरिका पर मेरे सामने समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं। संडे का मैंने आपसे प्रॉमिस किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी की प्रॉमिस पूरा हो जाए, फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है क्योंकि टेक्निकल समस्या, इंटरनेट की समस्या मैंने सॉल्व कर ली है, बट मेरे गांव में बिजली की प्रॉब्लम खड़ी हो गई सर। अब बिजली की समस्या से सर तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि लैपटॉप ही नहीं चलेगा सर, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आएगी, एक दिन लेट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समस्याएं तो आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कि हमारे प्रिय साथी बहुत अच्छे हैं, ब्राज़ील है सर। हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्याशी किसे घोषित किया गया है? सर पता है आपने तो अमेरिका के इलेक्शन के बारे में शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से की थी। हमने कि क्या प्राइमरी और काकेसस बताया था सर, हमने कि क्या बात है भाई। अच्छा जो बिडेन है, हमने कि हाँ सर आपको बताए ना, दो पार्टी वैसे हैं कैसे सर, अपने भारत इंडिया की बात करें ना तो कांग्रेस भाजपा ये कई साल से शासन कर रही है तो इनका नाम फेमस है। इसी तरीका से लगभग 200 सालों से दो ही पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी अमेरिका में चलती हैं। सर अंकल किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? हमने कि अंकल रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। सवाल बना सर इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हमने कि गजब बात कर दी, चुनाव चिन्ह हाथी है। सर डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन बिलोंग करता है? हमने कि अपने ओबामा थे ना वो बिलोंग करते हैं, और ये जो बिडोन ये अभी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ठीक है सर इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हमने कि इनका चुनाव चिन्ह गधा है। सर उसकी संसद को अमेरिका की को क्या कहते हैं? हमने कि कांग्रेस कहते हैं। अच्छा सर कांग्रेस में दो हाउस होते हैं, हमने कि गजब बात कर दी आपने। कौन कौन से होते हैं सर? हमने कि एक तो हाउस ऑफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है सर, और एक सीनेट कहते हैं। अच्छा गजब की बात है सर, हमने बहुत सारी अमेरिका में आपको ग्रेट लेक पढ़ाई थी सर, बिल्कुल पढ़ाई थी, सुपीरियर, ह्यूरन, एंटेरियो, मिशिगन पढ़ाई थी सर, बिल्कुल गजब बात। रिवीजन हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? सर माइनस के 1.5% लगाया है। हाल ही में किस कंपनी ने सितंबर महीने तक 2 बिलियन कोरोना टीका विकसित करने का दावा किया? सर कोरोना तो बढ़ता ही जा रहा है, टीका कब आएगा? हमने कहा एस्ट्राजेनेका पढ़ाई, अरे सर माइंड में आया एस्ट्राजेनेका, ये ब्राज़ील में जाएगी ट्रायल करने। हमने कि हाँ सर ट्रायल किसे कहते हैं? सर किसी पर ट्रायल करेंगे, उपयोग करेंगे, उसी तो ट्रायल कहते हैं, बहुत सिंपल है। सर वैक्सीन और उसमें क्या अंतर होता है? हमने कि लो गजब बात कर दी, हद है भाई, वैक्सीन और दवा में अंतर नहीं पता। वैक्सीन सर अपनी सुरक्षा जैसे करते हैं ना, तो गार्ड खड़े हो जाते हैं हमने अपनी सुरक्षा के लिए सर, एंटीबॉडी विकसित करना वैक्सीन कहलाता है। क्या बात है सर, बताया था इतना आपको याद आया होगा इसी से। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न के लिए भेजा है? सर विनीत फोगाट का भेजा है, बिल्कुल।
किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? सर, आंध्र प्रदेश ने किया है। हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है? सर बता देना आपको, पहले गोरखपुर था, अब हुबली रेलवे स्टेशन है। सर कितनी लंबाई हो गई? सर हमने की इसकी लंबाई 1400 सर मीटर हो गई है। अच्छा, गजब की बात है। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? सर 8 जून को मनाया जाता है। हमने की गजब की बात है भाई। भारत सरकार ने महिलाओं और बाल विकास के लिए कौन सी टास्क फोर्स, सर बताया था आपने, जो महिलाएं बच्चा देने पर सर जन्म देने पर सर मृत्यु हो जाती है उनके बारे में एक कमेटी बनाई गई है, किसके नेतृत्व में बनाई गई है? जया जेटली के। ये जुलाई में अपनी जो कमेटी से सर वो अपना जाकर के सरकार को सौंप देगी कि ठीक है सर, अच्छी बात है। 8 देशों ने किस देश के खिलाफ अंतर संसदीय गठबंधन शुरू किया है? सर चाइना ने किया है। सर शुरू किया है किस देश के खिलाफ किया है? सर चाइना के खिलाफ किया है। द्विवार्षिक पर्यावरण सूचकांक 2020 किसने जारी किया है? सर येल विश्वविद्यालय ने बताया है। हाल ही में फारस की खाड़ी समाचार में थी, यह कहाँ स्थित है? सर ये हिंद महासागर में स्थित है। हमने कहा हिंद महासागर के वेस्ट में जाएंगे ना तो अरब सागर मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा अरब सागर। हमने कि उसके बगल में आपने पर्सियन गल्फ सुना है? अरे सर गजब की बात बताई, पर्सियन गल्फ तो हमारा पड़ोसी है। हमने कि अच्छा, इतना पढ़ाया है ना सर आपने पर्सियन गल्फ। हमने बताना कितने देश हैं जरा? सर देश तो 8 है बट माइंड में पिक्चर थोड़ी हट रही है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपने सुशील स्टडी को ज्वाइन किया है ना तो टेंशन तो लेनी नहीं है आपको, सिर्फ कान में ढपकी लगा करके सुनना है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बताते एक बार फिर आपके लिए मौका है कि माइंड में पिक्चर सेट कर लें। जैसे हमें एक बच्ची ने बताया था, मैंने कमेंट में पूछा था सर कल की वीडियो में कि बेटा बताना कैस्पियन सागर, मैंने तो सबके लिए पूछा बट कोई कमेंट करता ही नहीं है। उनने बताया था कि सर ये कैस्पियन सागर और अरल सागर के बारे में हमने पूछा, उन्होंने डिटेल में जानकारी दी। मैं उनके लिए बहुत ही थैंक यू, मुझे बहुत आभार, मुझे बहुत खुशी हुई कि बताइए एक IAS क्वेश्चन में पूछा गया था ये कैस्पियन सागर, आप उठा करके देख लेना, और उस बच्ची ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। इतनी खुशी होती है ना, आपके कमेंट आते हैं सर तो बहुत अच्छा लगता है, हमें अंदर से ऊर्जा मिलती है। सर अब यह मैं पूछ रहा हूँ, सर हाल ही में फारस की खाड़ी समाचार में थी? सर बिल्कुल थी। सर उस पर्सियन गल्फ कहते हैं? हमने कही हाँ। पर्सियन गल्फ में कितने देश लगते हैं? सर 8 देश लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं सर बता देंगे? हम बताते हैं आपको। सर पहले तो हम चलते हैं कहाँ से? ओमान से चलेंगे, फिर UAE आएगा। सर क्या है ये? हमने कि संयुक्त अरब अमीरात है। सर उसके आगे चलेंगे ना कतर आएगा। हमने कि गजब बात है, गिनते रहना 3। सर उसके आगे बहरान आता है, पर्सियन गल्फ का हिस्सा है। सर उसके बाद अपना प्यारा सा सऊदी अरब आता है, उसके बाद सर कुवैत आता है, उसके बाद सर ईरान आता है, इराक आता है, और इराक के बाद सर ईरान आता है। आप बता देना मेरे प्यारे साथियों, पूरे हो गए हों तो ठीक है, चाहे एक आध दो और गिना देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं है। सर दिखा देते हैं आपको, देखो मैंने जो बताया सीक्वेंस, ओमान है सर, यूनाइटेड अरब अमीरात है। मैं पेन को ले लेता हूँ, चल जाए तो भैया चल जाए यार, ऐसा मत किया कर, पहले ही क्वेश्चन पर अटका देता है तू भाई। ये सर ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर है सर, राजधानी दोहा है। हमने की बिल्कुल। सर ये क्या है? हमने की ये बहरान है प्यारा सा, और देखना ये पर्सियन गल्फ लिखा है। बिल्कुल सर। सर इसके बगल से ईरान, ये सऊदी अरब सीमा भी मिला रहा है। हमने की हाँ। ये सर कुवैत भी है, और आप देखना ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, ये जो इराक है ना, ये इराक भी सीमा मिलाता है किससे? सर पर्सियन गल्फ से मिलाता है, सॉरी इराक, और ये इधर से ईरान तो मिला ही रहा है। सर हमने बताया था आपको कि बे और गल्फ में क्या अंतर होता है। सर ये ओमान भी इसका हिस्सा है, देखो यहाँ पर लग रहा है। सर इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, इसे पूरे को पर्सियन गल्फ कहते हैं। इन्होंने GCC का निर्माण किया था, उसमें 6 देश थे आपको याद होगा। उसमें कौन कौन से नहीं थे इन 8 में से? सर इराक नहीं था, और ईरान नहीं था, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरान, कुवैत, ये सारे 6 देश थे। ठीक है सर, डिटेल में हमने इस क्वेश्चन को बताया है आपको।
हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सर मोनिका कपिल मोहिता को किया गया है। हाल ही में एकमात्र भारतीय जो फोर्ब्स की दुनिया के 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों में शामिल है। कौन नहीं जानता अक्षय कुमार को? विश्व व्यापार संगठन WTO की बात कर रहे हैं सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में डिटेल कमेंट में बताएं मेरे प्यारे साथियों। भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि कौन है? मैं ये वायदा आपसे करता हूँ, आप करंट 6 महीने लगातार पढ़ लेना, आपकी स्टैटिक जीके कोई टक्कर नहीं ले सकता है आपसे, इतनी स्ट्रांग इतनी मजबूत हो जाएगी। बट लिखते रहें इन चीज़ों को जो ना आए, फिर एक बार आराम से रिवीजन कर दें। जैसे ये मई चल जून चल रहा है, जून खत्म हो जाए जून के सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर दें। मुझे कमेंट में बताएं सर, ये जैसा आप संडे वीकली टेस्ट लाते हैं ना, ऐसा मंथली टेस्ट भी लाए ना, क्या बात है सर, तेल का मचा देंगे हम, आग लगा देंगे, इतनी बेहतरीन तरीके से करंट भी पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। लेट हो सकता है, प्रॉमिस मैं करता हूँ, पूरा करूँगा सर, लेट हो सकता है क्योंकि समस्याएं सामने खड़ी हैं। ब्रजेंद्र नमनीत हैं सर, बिल्कुल। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? सर बताया था गैरसैंण बनी है सर। हाल ही में कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया है सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की है? सर मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका हाल ही में समाचार में थी सर, क्या नाम था? सर सोलर सिस्टम से चलती थी, हमने की गजब बात कर दी। 180 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आता था सर, जब डीजल से चलाई जाएगी तो 8,000 रुपये का आता था। क्या नाम है सर? आदित्य नाम हम बता देते हैं। इसको कौन सा अवार्ड मिला था? आप प्यारे साथी बताएंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने जितने क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन बताएंगे, मुझे आशा है बहुत अच्छी तरीका से। भारत सरकार ने किस स्थान पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ स्थापित की है? सर लद्दाख में। रिचर्ड डार्किश पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर हैं। सर ये तार्किक जवाब देते हैं सर, तार्किक कैसा होता है? हमने कि लो भाई हद है, आप जानते नहीं हैं, आपकी मम्मी जी कहेंगी बेटा ऐसा करो ना, कि कैसा ये बाल्टी है ना खाली निकल के जाती है तो आप जाओ ना। तो जावेद अख्तर कहते हैं भैया ये बाल्टी है उसका जाना स्वाभाविक है। आ रही बात समझ में? शाम को मम्मी जी कहेंगी बेटा ऐसा करो ना, आप हो ना तो ये शाम को झाड़ू वाड़ू मत लगाया करो क्योंकि लक्ष्मी चली जाएगी। जावेद अख्तर कहते हैं भैया ऐसा नहीं होता है, सोच बदल लो अपनी, क्योंकि आप साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, आप तो सब पढ़ने वाले प्यारे साथी हैं, तो ऐसा आप समझाइए। जावेद अख्तर को इसी वजह से पुरस्कार मिला है। आप समझ गए तार्किक क्या होता है, अतार्किक क्या होता है। भारतीय द्वारा विकसित दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट सर कौन सा है? सर पता है हमको, आपने दिखाया भी था, कोरोबोट है सर, हमने की गजब बात है। अरे सर किसने बनाया? प्रतीक थाड़ेकर ने बनाया सा। अच्छा बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में उत्तर कोरिया, कौन नहीं जानता भैया उत्तर कोरिया को, किस देश से सारे संबंध तोड़ दिए? सर दक्षिण कोरिया से तोड़ दिए भैया, भटक गए ये, भटक गए क्यों कि बैलून उड़ा दिए इनके यहाँ पर दक्षिण कोरिया सर। हाल ही में कॉलेस्टन की प्रतिमा गिराया जाना चर्चा में रहा है सर, कॉलेस्टन की, हमने की हाँ सर ब्रिटेन में गिराई गई थी। हम आपको बता देना मेरे प्यारे साथियों, जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी अमेरिका में सर, 20 रुपये की बात थी सिर्फ, क्योंकि अमेरिका के 20 डॉलर की बात थी। दुकान वाले से गए और सिर्फ फर्जी रुपए बताया दुकानदार ने, तो उन्होंने कहा भैया हो गया होगा, गलती तो सबसे होती है, ऐसा तो नहीं है भाई गलती एक से होती है, क्योंकि गलती आप मानते हैं किसी जीव से तो नहीं, बोल किसी मतलब पशु से, जानवर से तो नहीं हो सकती है, सिर्फ गलती सर मानव से ही हो सकती है। हो गई हम मान लेते हैं जॉर्ज फ्लॉयड से गलती सर, इतनी बेशर्मी से हत्या करना ये गलत है। एक पुलिस वाले ने उनकी गर्दन पर लात रख करके, और वो यही कहते रहे प्लीज़ मुझे सांस लेने दीजिए, सांस नहीं लेने दी उन्हें। अब बता देना साथियों, इतनी आग भड़क गई कि अमेरिका के ट्रंप अंकल को बंकर में जाना पड़ा था, आपको पता होगा। और ये आग भड़कते भड़कते सर कहाँ पर आ गई, ब्रिटेन में आ गई सर। कोलेस्टन थे ना ये अश्वेत लोगों के सर, व्यापार करते थे, बात समझ में आई मैंने बताया था, बिल्कुल बड़े सर आगे। भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
बता देंगे हमारे प्यारे साथी डेनमार्क के साथ किए हैं। सर डेनमार्क लगता तो यूरोप में छोटा सा है बट इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। हमने कि कहाँ पर है सर? ग्रीनलैंड इसका ही क्षेत्र है ना, यहाँ अमेरिका के अंकल दौरा डाल रहे हैं सर कि आप भैया हमारे पास आ जाओ। तो भैया आप बता देना डेनमार्क से खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? बट वो डायरेक्ट संपर्क किससे साध रहे हैं? उस जनता से। बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, हमने बताया था डिटेल में। बिल्कुल कौन सा सर? ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की आबादी में 29% वृद्धि हुई है? सर गुजरात में 674। अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना प्रमुख? सर हाँ, अमेरिका में दो ही लड़ाई है, श्वेत और अश्वेत की, जनरल चार्ल्स ब्राउन है सर। आपको मैंने फोटो भी दिखाया था, मुलाकात करनी हो तो। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य गैस रिसाव? सर असम में गैस रिसाव बहुत चल रहा है। हमने की वही असम तो है अपना प्यारा सा? हाँ सर, जहाँ से ब्रह्मपुत्र जाती है। हमने की गजब बात कर दी आपने भाई। अरे सर वही असम है जहाँ पर क्या है सर, CAA भड़का हुआ था सर, NRC। दुनिया की कौन सी पहली महिला है जो अंतरिक्ष में सैर के बाद? सर इनको हम तो अच्छी तरीके से आपने पिक्चर दिखाई थी, वेलकम टू चैलेंज डीप पर पहुंचाया था हमने कि बिना पैसा के घुमा देते ना आपको, हम कभी अंतरिक्ष घुमा देते हैं। तो कभी भैया मारियाना ट्रेंच का जो वो है चैलेंज डीप है वो घुमा देते हैं सर। बिल्कुल सर सही कहा आपने, डॉक्टर कैथी सुलिवान है सर। फोटो माइंड में चला होगा कि नहीं चला होगा? बिल्कुल चला है सर। वेलकम टू चैलेंजर डे। मारियाना ट्रेंच कैसे बनता है सर? हमने बताया ना आपको, ये पृथ्वी दो प्लेटों से मिलकर बनी है, इंडो प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर हम रहते हैं, पैसिफिक प्लेट में सर जब दोनों प्लेटों की टक्कर होती है तो भारी प्लेट दब जाती है, हल्की प्लेट उठ जाती है। इसके कारण जो खांच बन जाती है ना साथियों, इसे हम ट्रेंच कहते हैं। क्या माइंड में पिक्चर आई सर? ये इसी कारण से जब जम जाती, अंदर दब जाती है तो ये क्या मैग्मा बन जाता है। अब वो माइंड में सर पिक्चर चलने लगी हो गई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको सारी चीजें रटा दूंगा उंगलियों पर। सर वो मैग्मा गर्मी की वजह से ऊपर आने लगता है, वो जब ठंडा होकर के जमीन पर जमता है सर, तो जापान और फिलीपींस सर ऐसे आइसलैंडों का निर्माण होता है। प्लीज कमेंट अप करना मेरे प्यारे साथियों, ये प्रॉमिस कच्चा नहीं जाएगा। अरे सर बूढ़ी अम्मा आ गई, हमने कि लो खामे खाए बूढ़ी अम्मा, तो भैया आपने जो है ना ऐसे ही मोर्चा बाहर का दे दिया है। भैया प्रिंसिपल की लड़की शादी के लिए रिश्ता लेने आए, अम्मा ने खामे खाई रिश्ता खराब कर दिया। अम्मा को जानकारी तो है नहीं है कुछ लड़के के बारे में, क्या लड़का पढ़ता है भैया? अम्मा ने तो कुछ पढ़ाड़ा नहीं है, या लड़के से बात भी नहीं की। और बूढ़ी अम्मा ने सर मोर्चा संभाल लिया कि आप हमसे मिल लो, पहले रिश्ता बाद में जोड़ना, हम बताते हैं लड़का क्या करता है। अच्छा बूढ़ी अम्मा आप इतना जानती हैं लड़कों के बारे में? अरे लो हद कर दी, हम सब कुछ जानते हैं, हमारा घर का पड़ोसी है, हम इससे संपर्क साधते हैं। हमने गजब बात है भाई। सर बूढ़ी अम्मा, हमने की लो बूढ़ी अम्मा विश्व में तीन है, कौन कौन सी है जरा बताना आप। सर एक तो हमने पढ़ाई थी मुडीज बूढ़ी अम्मा, क्या बात है सर। हमने दूसरी पढ़ाई थी स्टैंडर्ड पुअर अम्मा। सर तीसरी अम्मा है ना वो फिच अम्मा है, क्या बात है सर। फिच अम्मा ने मोर्चा संभाला है। जब कोई भी देश की कंपनी अपने देश में सर इन्वेस्ट करने आएगी तो अम्मा से पूछेगी, जैसे कि कोई आता है ना सबसे पहले अम्मा से पूछता है, और ये अम्मा बताना थोड़ा लड़का कैसा है। अम्मा कहेंगे ये फोन पर लगा रहता है सारे दिन, पता नहीं ये पढ़ता भी है कि नहीं भी पढ़ता है। अच्छा अम्मा ये इसका चालहाल कैसा है? अम्मा कहेंगी बहुत अच्छा है, हम अपनी लड़की की शादी कर दें। हाँ कर दो भैया, अपने हिसाब से देख लेना। अम्मा कहेंगी ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, जब कंपनी इन्वेस्ट करने आती है तो अम्मा से पूछती है, अम्मा बताओ ना थोड़ा, क्या बताएं भारत में कैसा है व्यापार चल रहा है, जियो कैसा चल रहा है? अम्मा बताएंगी सही चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों मैंने क्यों टाइम लिया है, क्योंकि रेटिंग वाले क्वेश्चन समझाना बहुत ही टफ है। एक बार मैंने फिर आपके माइंड में पिक्चर बनाने की कोशिश की है। सर कितनी है? 9.5% है, आपको सबको पता है। बड़े सर आगे, वीडियो लंबा हो सकता है, मैंने सोचा मैं 10 मिनट में पहले संडे का रिवीजन लेता। मैंने कहा पूरा महीना का हम करंट एक तरीके से बेहतरीन, थोड़ा टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर नया मुकाम हासिल करना है तो कुछ अलग करना होगा ना। कौन सा पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है?
क्योंकि सुशील स्टडी परिवार में रोजाना एक सदस्य बढ़ते हैं सर। जब उन सदस्यों को जानकारी होगी ना सर, रमन मैक्सेस पुरस्कार है। अरे सर हाँ, ये फिलीपींस जो एडीबी वाले लोग हैं ना, इनके जो राष्ट्रपति थे ना सर, सातवां वाले, 31 अगस्त 1907 को इनका जन्म हुआ था, इसी के सम्मान में 31 अगस्त को दिया जाता है। हमें सब कुछ याद है सर, बड़े आप आ गए। हमने की गजब बात है भाई, आप तो इतने स्ट्रॉन्ग लेवल के पढ़ने वाले हो गए भाई। हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगेगा भाई? सर हरा लगेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा। बड़े सर आगे, हाल ही में नासा के विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? सर रंजीत कुमार को किया गया है। विश्व बैंक ने कोविड स्थिति से निपटने के लिए किसको दिया है सर 1950? सर बहन जी को दिया है, जब अम्फान आया मोदी जी गए थे मुंह बांध करके। सर 1000 रुपये की बात की, 1000 करोड़ की। सर जैसे ही दिल्ली आए ना, वैसे ही ममता बनर्जी ने कह दिया, भैया हमें आश्वासन दे के गए हैं, पैसा तो मिला ही नहीं अभी तक हमें। कौन सा भैया बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल। सर पश्चिम बंगाल सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने की हद कर दी। सुना सुना सा क्या, चोटी है सिक्किम, वहाँ से जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अरे उसे चिकन नेक कहते हैं। अरे सर चाइना और सिक्किम और वहाँ पर भूटान पर हमने चीन को नाक चटाई थी, हमने क्या था? ढोकलाम था सर। हमने की क्या बात है, गजब बात है सर। सर इसे ही तो सुंदरबन डेल्टा बनता है यहाँ पर। हाल ही में यूरोपियन की दूसरी बड़ी लीग ला लीगा शुरू हुई, उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सर स्पेन में किया जा रहा है। अरे स्पेन तो पड़ोसी लगता है भाई। अरे सर वही है ना, जिब्राल्टर संधि वाले लोग हैं ये। अच्छा सर जिब्राल्टर संधि वाले, हमने कहा पुर्तगाल बगल से नहीं लगा? अरे सर हाँ वही लोग तो है जिन्होंने पास दे दिया है सर, हमारे यहाँ से निकल जाए करो आप अटलांटिक ओशियन। अच्छा सर वहाँ हम इंग्लिश चैनल जाएंगे तो इनसे होकर जाएंगे? हमने कि बिल्कुल जाओगे भाई, मेडिटेरियन सी तो स्पेन के घर पहुँच जाओ। जिब्राल्टर संधि होते हुए, अटलांटिक ओशन होते हुए, इंग्लिश चैनल होते हुए सर कौन सी स्टेट आएगी? सर डोवर स्ट्रेट आती है, क्या बात है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने किस भारतीय नेता सर योगी बाबा जी का भड़क गए भाषण से? सर लिपुलेख, लिम्पिया दुरा, काला पानी, जब भी आए याद करना है आपको। बिल्कुल काला पानी नदी, सुगोली संधि 1816 वाली। बड़े सर आगे, बिल्कुल मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर सर मुंबई है, सबसे महंगा। हमने की पहला नंबर किसका आया था? सर हांगकांग का आया था, भारत में मुंबई है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया मौलिक अधिकार आपका आरक्षण नहीं है। अच्छा सर आपने आर्टिकल 15(4)(16)(4) समझाया था, हमने की लोग गजब बात कर दी, हमने तो आपको मौलिक अधिकार लिख के भी दिए थे, कई साथियों ने लिख लिए होंगे, क्योंकि भैया करंट से ही स्टैटिक जीके पूछी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में किस झील का पानी गुलाबी हुआ है? सर पता है रंग बदलती है क्या? लोनार झील महाराष्ट्र में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। सर पता है सामर झील राजस्थान में है, और वेम्बनाद झील पता है ना सर, तो कमेंट में बता देना कहाँ पर है, नहीं पता हो तो हम बता देंगे। COVID-19 से निपटने वाले देशों की सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन पर रिपोर्ट, भारत की रैंक सर 56 है। बड़े सर आगे, NIRF इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया? IIT मद्रास ने किया है सर, ओवरऑल टॉप किया है। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? सर हल्द्वानी में खोला गया है। बड़े सर आगे, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर पता है सारे आपने बिल्कुल नंबर बाई नंबर पढ़ाए थे सर, हमें पता है 12 जून को मनाया जाता है, गजब बात है। हाल ही में राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों की, सर अपना अयोध्या में राम मंदिर बनना है ना, फिर घूमने चलेंगे ना किसी दिन आप मंजिल हासिल करके? बिल्कुल चलेंगे सर, क्योंकि सपने बड़े देखे हैं, उनके लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा दिन रात। सर मंदिर के हमने जर्मनी को दे दिया सर ठेका। बड़े सर आ गए, ये सर 60वां क्वेश्चन होगा, सॉरी 10 लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं। किसको प्रतिष्ठित 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर डॉक्टर रतनलाल को किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारा का सारा PDF कंटेंट कहाँ मिलता है? सर चैनल पर मिलता है, हमने क्या नाम है? सर टेलीग्राम ग्रुप है ना आपका सुशील स्टडी नाम से, हमने की बिल्कुल है सर, वहीं इसकी PDF मिलती है। आज आपको ये वीडियो सर करेक्ट टाइम पर मिल जाएगी, क्योंकि हमने समस्या को सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं सर अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों में आग लगा दें, शेयर कर देना, बता देना कि सुशील स्टडी में पढ़ाई चल रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है। सर चलें एक गोता भी लगा लें हम जा करके, क्योंकि हमें अपने फ्यूचर अपने लाइफ को बनाना है। सर मिले सर अगले वीडियो में, मेरे कहने से प्लीज सर कमेंट और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो बताना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों अब मुझसे ज़्यादा मेहनत आप लोग करते हैं, मैं कुछ मेहनत नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ाता हूँ मानता हूँ सर, बट मेरे से ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके पास कैसे आई, कि आपके पास सर हमारे जो सदस्य हैं ना इस परिवार के बहुत ही बेहतरीन लोग हैं सर, ये एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं, कहते हैं भैया पढ़ लो थोड़ा, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया की सिंगल चीज़ ऐसी है जो शिक्षा देने से बढ़ती है, कि उन्होंने प्रयास किया है सर, मैंने नहीं किया है, मैं तो सर सिर्फ वीडियो बना करके शेयर कर देता हूँ, आपके पास कैसे आई, हमारे सुशील स्टडी परिवार के जो सदस्य हैं ना उनसे आई, ये परिवार सब आपका है सर, ये आप लोग मिलकर के इस परिवार को एक मंजिल हासिल करेंगे, ऐसी मुझे बहुत पूर्ण आशा है सर। मिले सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ाई भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करिए सर।